हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये यूट्यूब चैनल मेरा नहीं, इनका है, अनुभी का। तो आज इस टाइम हम अपने हॉस्पिटल में हैं। तो क्या टाइम हो रहा है? 11:30। तो 11:30 बज चुके हैं। तो हमने सोचा है कि आज हम और अनुभी ने भी बोला कि हॉस्पिटल का छोटा सा टूर देते हैं, आपको बताते हैं ऑटो क्लेव वगैरह कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल में। हम अपना ओटीपी दिखाएंगे जहाँ पे हम रोज ऑपरेट वगैरह करते हैं। फिलहाल आज तो कुछ है नहीं, मगर फिर भी दिखा देते हैं। तो गाइस, अभी हम आपको ऑटो क्लेव दिखाते हैं। सबसे पहले तो गाइस देख रहे हो, आवर एक्टिंग की दुकान। ये हमारी हॉस्पिटल का स्टाफ है, इनका नाम है क्यूट गर्ल, सुन रहे हो? और ये बहुत अच्छा मजाक किया इसने वाला। बहुत अच्छी दीदी है, इनका नाम किरण है। और ये बहुत सही, बहुत अच्छी है। और यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट हैं, और ये हमारे इकलौते लौंडे ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में सबको, मतलब सबके फेवरेट बंदे हैं, ठीक है? तो गाइस, आप क्या बोलना चाहते हो? मैंने क्या, शर्मा गई आप? कुछ नहीं बोलोगे आप? क्या बोलोगे? अरे इनको दिखाओ जो दिखाने वाली चीज है। ऑडियंस भी इंगेज हो गई है। वो है हमारी ऑटोक्लेव की मशीन, इसमें हम डालेंगे इससे पानी। तो गाइस देखा आपने, ये ऑटोक्लेव मशीन है। और यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि यहाँ तक ये जो रेड है, यहाँ तक पानी डालना होता है, उसके बाद ऑटोक्लेव करते हैं। तो ये हम डाल रहे हैं इसमें पानी, और नीचे से जो है ये खोल देना होता है, जो भी इसमें पानी बचा होगा वो निकल जाएगा। तो अभी पूरा 5 लीटर इसमें पानी लगेगा। देख लो गाइस, ऐसा होता है स्टरलाइजेशन रूम में, ये कपड़े स्टरलाइज किए जाते हैं। देखो गाइस, हमने वाटर लेवल तक पानी भर दिया है। अब ये लगे हैं, ये मोमोज के डिब्बे दिख रहे होंगे, लेकिन ये मोमोज के डिब्बे नहीं हैं, इसमें कपड़े स्टरलाइज होते हैं। देख लो अच्छी तरह कसा जा रहा है, जो प्रॉपर फिट करके फिर कपड़े स्टरलाइज किए जाते हैं। तो गाइस देखो, एक रख दिया है हमने, दूसरा ये फिर से रख दिया है, और ये कपड़ा रखेंगे एक इसको, फिर हम जैसे मोमोज स्टीम करते हैं इस तरह इसको कुकर में स्टीम करेंगे। वैसे मशीन है ये, लेकिन हम इसको कुकर भी कह सकते हैं। और ये जो है, इनको ये सारे नॉब्स हैं, इनको बंद करना होता है, सारा टाइट करके फिट करना होता है। देखो अब इन नॉब्स को कसा जा रहा है, ये देखो इस तरह के नॉब्स होते हैं, इनको कसते हैं। देखो इनको कर रहे हैं टाइट, अब ये पूरे फिट करके। आप गाइस, टाइम आ चुका है मशीन ऑन करने का। देखो गाइस, हो गई मशीन ऑन। अब ये प्रेशर वाली सुई प्रेशर बनाएगी अपना, तो उसके बाद ये कपड़े स्टरलाइज होंगे। इसमें हम चेक करेंगे प्रेशर, ठीक है? तो गाइस अब हमें वेट करना पड़ेगा कम से कम 1.5-2 घंटे का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑटोक्लेव है वो हो गया है। वैसे अब हम इसको बंद करेंगे ऑटोक्लेव को। ये हमने कर दिया बंद और इसका प्रेशर। तो गाइस आज का व्लॉग इतना ही था। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो फुल। ऐसे ही वीडियोस और भी दिखाएंगे हम आपको। ओके बाय।